यूपी पुलिस ने अतीक अहमद और अशरफ की हत्या करने वाले तीनों शूटर्स को आज प्रयागराज सीजीएम कोर्ट में पेश किया था। पुलिस ने 14 दिनों की रिमांड मांगी थी, जिसे कोर्ट ने आज मंजूरी दे दी है। साथ ही तीनों शूटर्स सनी सिंह, लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य को पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। फिलहाल उन्हें पुलिस लाइन ले जाया गया, जहां उन तीनों से पूछताछ की गई। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या करने वाले कुख्यात बदमाश सनी सिंह ने बताया कि उसने हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्टल मेरठ के बदमाश सोड़ी से खरीदी थी। इसके बाद प्रयागराज पुलिस ने सोड़ी की जानकारी निकालना शुरू की। पुलिस रिकॉर्ड में मेरठ में कोई सोड़ी नाम का बदमाश नहीं मिला। जांच में सामने आया कि सोड़ी नहीं बल्कि रोहित सांडू ने सनी को पिस्टल मुहैया कराई थी। सांडू ने ही पूर्वांचल के जिलों में रहकर बदमाशों का गिरोह तैयार किया था। 2019 में पुलिस मुठभेड़ के दौरान मुजफ्फरनगर में सांडू मारा जा चुका है। वहीं सनी ने बताया कि सोड़ी का पश्चिम उत्तर प्रदेश में काफी प्रभाव है। दोनों जेल से बाहर आ गए और फिर मुलाकात होती रही। सनी ने भी अपने पुराने साथी लवलेश तिवारी से संपर्क साधा और फिर मेरठ आया। तभी बदमाश ने उन्हें पिस्टल मुहैया कराई। पुलिस की जांच में सामने आया कि यह बदमाश रोहित सांडू था, जो मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाने के जोहरा गांव का निवासी था। सांडू को ख्यात सुशील मुंज के शूटर यशपाल राठी की हत्या में मुजफ्फरनगर जेल में बंद था। 2 जुलाई 2019 में भूपेंद्र बाफर्क ने पुलिस पर हमला कराकर सांडू को कस्टडी से फरार करा लिया था। भूपेंद्र उससे सुशील मुंज की हत्या कराना चाहता था। इसके बाद सांडू पर 1,00,000 का इनाम घोषित कर दिया गया था। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहें सारा समय डिजिटल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।